अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं। लॉर्ड महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू, इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनेक सर्जरी एंड अदर सर्जरी आल्सो। नूरपुर में हुए निजी स्कूल बस हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है। एक साल पहले भी नूरपुर में ही एक निजी स्कूल बस का दुर्घटना हुई थी जिसमें कई घरों के चिराग बुझ गए थे। सरकार ने उस समय कहा था कि निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने और निजी स्कूल में बस व टैक्सी चलाने के लिए सख्त कानून बनाएगी जिससे प्रदेश में बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। लेकिन आज सुबह हुए हादसे से साफ पता चला जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं कानून बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है जिस वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। घटना पर दुख जाहिर करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सरकार को इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने। देखिए, नूरपुर की बस दुर्घटना पहले भी हुई थी और जो अब नूरपुर की बस दुर्घटना हुई है, सरकार ने कहा था कि जो स्कूल बसें जाती है उसके लिए हम नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है, हमें इन दुर्घटनाओं से बचना चाहिए और सरकार को इसके लिए नियम और कायदे बनाने चाहिए। और जो अब नूरपुर की बस दुर्घटना हुई है, सरकार ने कहा था कि जो स्कूल बसें जाती है उसके लिए हम नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी जिसके कारण यह दुर्घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है, हमें इन दुर्घटनाओं से बचना चाहिए और सरकार को इसके लिए नियम और कायदे बनाने चाहिए। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।